हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ छोटी मछली मसालेदार, जो खाने में बहुत ही बेहतरीन होता है और एकदम लाजवाब होता है, और इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसे आप रोटी चावल हमारे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आप लोग को हमारा रेसिपी बनाना बहुत आसानी से आ जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए कैसे बनता है शुरू करते हैं। तो हमने इसे बहुत अच्छी तरह धो लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून रेड चिली और 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी हम डालेंगे। 1/2 टीस्पून हमने नमक इसमें डाल देना है और इस एक छोटा पीस कटा हुआ हम लेमन इसमें ऐड कर देंगे। बहुत अच्छी तरह इसका रस निकाल देते हैं। अब हम इसे हाथों की मदद से मिक्स कर लेते हैं। ये हो गया हमारा मिक्स। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो चलिए हम अपना मैंने गैस पे एक लोहे की कढ़ाई चढ़ाई है। अब हम गैस को जला लेते हैं और इसे गर्म होने देते हैं। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। हम इसमें 4 चम्मच के अकॉर्डिंग तेल डालेंगे। और इसे गर्म होने देते हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें से देखिए धुआं निकल रहा है, तो ऐसा ही तेल गर्म चाहिए। अब हम गैस के स्लो कर देते हैं और मछली को हम डालेंगे। हमें इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है, तो एकदम गैस को हम हाई कर देंगे और इसे हम फ्राई करते हैं। एक साइड से लगभग हम 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करेंगे, उसके बाद ही पलटेंगे, नहीं तो ये टूट जाएगा। इसे ध्यान में रखिएगा, ये टिप्स है मछली फ्राई करने का। कोई भी मछली फ्राई करे तो 1 मिनट तक इसे पहले पकने दे, उसके बाद ही पलटे, नहीं तो मछली टूट जाता है। ये देखिए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। अब इसे हम अच्छी तरह पलट पाएंगे। देखिए एक मछली नहीं टूटेगा, ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा हमारा। बस अब इस साइड से भी हम इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा मछली फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। बहुत आसानी से हम ये निकल जाएगा। देखिए एक भी मछली हमारा टूटा नहीं है, बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गया है। तो चलिए हम दूसरा भी ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। हमारा दूसरा भी मछली फ्राई हो गया है, तो इसे निकाल लेते हैं अच्छी तरह। अब हम इसी तेल में थोड़ा सा राई डालकर चटका लेते हैं। राई चटक चुका है। हमने एक मसाला पीस कर रखा था, वो डाल देते हैं। मसाले में है हमारा अदरक, लहसुन, प्याज, काली मिर्च और 2 हरी मिर्च है और सरसों है, जिसका हमने पेस्ट बना कर रखा हुआ था। तो इसे हम अब चला लेते हैं अच्छी तरह। तो चलिए इसे 1 मिनट और पकाते हैं। हमारा मसाला को पकते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और हम 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे और इसमें स्वाद अनुसार हम नमक ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून के अनुसार आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए और इसे हम 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे, जब तक कि हमारा तेल छोड़ नहीं देता है मसाला। हमारा मसाला 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और ये भून चुका है और तेल भी छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कटी हुई टमाटर, जो हमने एकदम पतला पतला स्लाइस किया है इस हिसाब से और ऐसे तरीके से, तो इसे गलने में टाइम नहीं लगेगा। आप लोग भी जैसे भी काटना है लेकिन पतला पतला स्लाइस करके काटिएगा, तो बहुत जल्दी गल जाएगा। इसे अब हम मिला लेते हैं। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा एकदम 1/2 कप से भी कम हम इसमें पानी डालेंगे और इसे भी हम मिला लेंगे और मिलाकर इसे हम ढककर 1 मिनट तक पकाएंगे।
ताकि हमारा टमाटर मेल्ट हो जाए। इसके साथ ही हम दो कटी हुई ऐसे चीरा लगाकर हरी मिर्च डाल देंगे और इसे भी हम ढक देंगे ताकि इसका फ्लेवर आसानी से मसाला में जा सके। हरी मिर्च का बहुत टेस्टी लगता है, हरी मिर्च का फ्लेवर तो हमने डाल दिया है और इसे एक मिनट तक पकाएंगे। हमारा एक मिनट हो चुका है, अब खोलकर देखते हैं कि टमाटर हमारा गला है कि नहीं। तो ये लीजिए, हमारा टमाटर भी गल चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, एकदम हल्का सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले में जो अब इस स्टेज पर हम डाल देंगे अपना फ्राई किया हुआ मछली और इसे भी अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से मिक्स करना है, नहीं तो ये टूट जाता है। तो हम हल्के हाथों से इसे दो से तीन बार ही करके, ज़्यादा नहीं चलाएंगे, और मिक्स कर लेंगे। और हम थोड़ा सा अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। देखिए ये हो गया है। इसमें हम हरी धनिया का थोड़ा सा ऐड कर देते हैं और इसे ढक्कन लगाकर हम एक से डेढ़ मिनट और पका लेंगे। इसके बाद ये तो रेडी हो जाएगा। और ये लीजिए, हमारा मछली बनकर एकदम रेडी हो चुका है। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए, एक भी मछली हमारा टूटा हुआ नहीं है और एकदम परफेक्ट बना हुआ है। तो इसे हम अब गैस का लीड बंद कर देंगे और इसे ठंडा करके हम सर्व करेंगे। इसे आप चावल के साथ या रोटी के साथ ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन लगता है और बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए हम गैस का लीड बंद कर लेते हैं और सर्व करके आप लोगों को दिखाते हैं। ये लीजिए, हमारा मछली बनकर एकदम रेडी हो चुका है। एकदम परफेक्ट। और इसे ठंडा करके हम सर्व करेंगे। इसे आप चावल के साथ या रोटी के साथ ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन लगता है और बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए हम गैस का लीड बंद कर लेते हैं और सर्व करके आप लोगों को दिखाते हैं। ये लीजिए, हमारा मछली बनकर एकदम रेडी हो चुका है। हल्का ग्रेवी वाला, खाने में बहुत ही बेहतरीन और बहुत टेस्टी। आप लोग एक बार अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिए। ट्राई करेंगे तो बोलेंगे कि हाँ, सच में ये बहुत बेहतरीन बना है। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप लोग इसे बिल्कुल ट्राई कीजिए।